नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और R9 TV आ चुका है हरियाणा के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम में। जी हां, इस बार हम लोग गुरुग्राम में आ चुके हैं और सीधा संपर्क करेंगे आम जनता से। इस बार किसकी सरकार, तो चलिए सीधा रुख करते हैं आम जनता से, उनसे जानते हैं उन्हीं की राय इस बार आखिरकार किसकी सरकार। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप वोटों का आधार किसको मानेंगे? वोटों का आधार मानते हैं बीजेपी को। बीजेपी सरकार को पुनः आने चाहिए और हमारी सुरक्षा करे, हमारे महिलाओं की सुरक्षा करे, बहनों की सुरक्षा करे और बेरोजगारी और महंगाई को दूर करे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप किस चीज़ के ऊपर आधार मानकर अपना वोट देंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही यहाँ की बातें कि वोट दे के भी कोई फायदा नहीं, गिरना तो घर से कुछ मिल रहा है ना बाहर से कुछ मिल रहा है, महंगाई इतनी हो रही तो आदमी कैसे करेगा गुजारा? जिसकी तनख्वाह 1000 रुपये होगी तो वो 1000 रुपये में महीना कैसे काटेगा? 100 रुपये की सब्जी लेने जाओ तो 2 टाइम की मिलती है। अब वो एक तरफ तो बीजेपी वाले कहते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अरे एक तरफ कुछ भी नहीं है। हम लोग गरीब के लिए सब, पैसे वालों के लिए सब कुछ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। मैडम, यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रवाद और कश्मीर से धारा 370 हटना, क्या इसको बीजेपी सरकार अपना एक अहम मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेगी? बीजेपी को बनाना भी चाहिए, ये सभी के लिए अच्छा है। इतने सालों से लोग परेशान हो रहे थे कश्मीर के अंदर, वहाँ आतंकवाद बढ़ रहा था इतना, मतलब ये हटना बहुत अच्छी बात है और हमें इसके लिए सपोर्ट भी करना चाहिए बीजेपी। आपसे जानना चाहेंगे इस बार मैडम आपका वोट का आधार क्या होगा, आप किन किन मुद्दों को सोच कर अपना वोट देंगे? मैं चाहूँगी विकास हो इस बार मुद्दा जो वोट का हो, क्योंकि विकास हर एक बंदे के लिए बहुत जरूरी है, छोटे वर्ग के लिए भी और मध्यम के लिए और अपर के लिए भी। फुड़गांव की जनता क्या सोचती है बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, या फिर यहाँ पर वोट ना भी दें कुछ कैंडिडेट्स? सर आइए बात करते हैं, सर आपसे बात करना चाहेंगे कि सर इस बार किसकी सरकार हरियाणा में? अब तो कोई राइवल पार्टी रह ही नहीं गई है जी, बिल्कुल जी, ना ओनली बीजेपी इज द ओनली पार्टी विच विल विन, दिस इज श्योर। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर 60-40 का रेशो है, कांग्रेस के भी कुछ हालांकि लोग सामने आए हैं कि जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी के आप देख सकते हैं कि 60% अभी रेशो है बीजेपी का। तो देखने वाली बात होगी, मे भी हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो, 50-50 रेशो हो। तो आगे अभी हम और जानेंगे और जनता से बात करेंगे, हालांकि उनकी राय क्या है, जनता का विचार क्या है, वो किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे, उनका अहम मुद्दे क्या होंगे वोट को लेकर, वो अपनी सरकार से क्या मंशा रखती है कि उनके लिए उनकी बेसिक जो नीडें हैं वो पूरी हों कम से कम। कैमरामैन केसर के साथ प्रियंका, R9 TV गुरुग्राम।